आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ NIOS क्लास 12 पेंटिंग 332 का TMA 2023, ठीक है, जो जनवरी और अप्रैल में जमा होगा। तो इसमें से पहला सवाल है कि 10 ज़ेल में से किसी एक सवाल का जवाब तकरीबन 40 से 60 अल्फाज में दीजिए। पेंटिंग को अपने मुतालती मवाद से अहद इस्लामी फन तामीरात की खूबसूरती का जायज़ा लीजिए और उन इमारतों की मिसाल के तौर पर गोल गुंबद, कुतुब मीनार वगैरह को खुद जाकर देखिए या किसी करीबी म्यूजियम में जाकर नवारदात को देखें और इन तहकीकात में फ़नी खसूसियात को समझने की कोशिश कीजिए और किसी दो फन तामीर के दरमियानी चार फ़र्कों की वाजे कीजिए। तो मैंने इसके जवाब में चार फ़र्क जो है कुतुब मीनार और ग्रह गुंबद को लिया। तो पहले कुतुब मीनार के बारे में, कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है जो भारत में जनूबी दिल्ली शहर के महरौली हिस्से में वाक़ है। दूसरी खास बात यह 73 मीटर यानी 239.5 फीट ऊंचाई और 14.3 मीटर कतर है जो चोटी पर 2.3 मीटर 9.2 फुट तक बढ़ता है और इसकी 379 मराहिल हैं यानी स्टेप्स हैं और इस कैंपलेन को यूनेस्को ने आलमी सकाफती वर्षा के तौर पर मंजूर किया है। ग्रह गुंबद जो है गोल गुंबद या गोल गुंबद फारसी बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल का मकबरा और बीजापुर कर्नाटक में वाक़ है। इसे 1656 ईस्वी में देवुत के फारसी मेमार याकूत ने बनाया था। इसकी साख्त का मरकज एक मकाब है जिसके अतराफ 475 मीटर यानी 156 फिट है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा गुंबद है जिसका बैरूनी कतर 44 फिट है। आदिल शाही ख़ानदान का मकबरों में से एक किस्म का वाहिद मिसाल है। दूसरा सवाल है कि 10 ज़ेल में से किसी एक सवाल का जवाब तकरीबन 40 से 60 अल्फाज में दीजिए। जहांगीर होल्डिंग एंड कल्चर म्यूज़िक, जहांगीर दौर की खूबसूरत तस्वीरें इस शाहकार से मुतालिक बयान के साथ उसकी तरमीदी हाशिए के बारे में एक पैराग्राफ लिखिए। तो इसका जवाब है ये पैराग्राफ जो है अबुल हसन ने 1622 में बनाई थी। तस्वीर के बीच में जहांगीर बैठा, उसके चारों अतराफ में मेज़े रस्मुलख़त से मुज़य्यन हैं। इस पेंटिंग में मगरबी असर वाज़े है। जहांगीर अंदाज के तमाम खसूसियात जैसे सर का बड़ा साइज़, नरम रंग वगैरह इस तस्वीर में नज़र आ रहा है। जहांगीर की ऊंची नाक चेहरे पर प्रोफाइल में खींचा हुआ है। इसके बाद इसी सवाल के जवाब में ये कुछ और लाइन है, आप एक लाइन छोड़ के और पेज नंबर डाल के लिखिएगा। जहांगीर के पास मैडोना की तस्वीर थी जिस पर फारसी में लिखा हुआ था। जहांगीर को मरकज़ में एक आरायशी एल डेस्क के साथ दिखाया गया है जिसमें कुछ हिस्से में सहीफे हैं। इस पेंटिंग में मगरबी तर्ज का असर है। तीसरा सवाल है 10 ज़ेल में से किसी एक सवाल का जवाब 40 से 60 अल्फाज। मुग़ल बादशाह चिड़ियों की तस्वीर का दिलदादा था। मुग़ल मिनी चिड़िया तस्वीर से चार चिड़ियों का इंतखाब करो और A4 साइज़ के कार्ड पर कागज़ पर तैयार करो। तो इसका जवाब है PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो फ़ोटो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वो आपको जो है क्या करना है, उन्हें चिपकाना है इस पर, ठीक है जी। अब अगला सवाल जो है वो चिपकाने के लिए आप PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लिए और स्क्रीन पे भी हो सकता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है चौथा सवाल है कि 10 ज़ेल में से किसी एक सवाल का जवाब तकरीबन 100 से 150 अल्फाज में जवाब दें। नेजोर आर्टिस्ट पेंटिंग्स के दूसरे अंदाज से किस तरह मुख्तलिफ है, इस बयान को मुख्तलिफ मिसाल देकर दुरुस्त साबित कीजिए। दक्कन स्टाइल जवाब है आसपास के इलाकों में क्यों ज़्यादा मकबूल है दक्कन स्टाइल। जवाब है तेजोरा का अंदाज जो है थोड़ा सा इसे ऐसे कर लेते हैं। तेजोरा का अंदाज जो है हिंदुस्तानी मुसव्विरी के अंदाज में मुनफरद मकाम रखता है क्योंकि एक तरफ ये काशी की खुदी हुई और पेंटेड शुदा लकड़ी से मुशाबहत रखता है तो दूसरी तरफ इसमें जवाहरात, सोना चांदी, रंगीन पत्थर वगैरह हैं। इस अंदाज की इब्तिदा 16वीं सदी में तमिलनाडु के तेंजोरा में हुई लेकिन पेंटिंग जुनूब और शिमाल में भी पाई जाती है। मौजू बुनियादी तौर पर अफसानवी है। रामकृष्ण, गणेश वगैरह जैसे देवताओं की तस्वीर बड़ी तादाद में दस्तियाब है। तेजोरा की ज़्यादातर पेंटिंग्स 19वीं सदी में बनाई गई हैं।
इस पेंटिंग में देवी सरस्वती को गंगा खेलते हुए दिखाया गया है। देवी के चारों हाथ में गंगा में खेलते हुए दिखाया गया। इस देवी के चारों हाथ में और वध के तहत पर बैठी हैं। पेंटिंग की आराइश खूबसूरत और इंतहाई पुरकशिश है। तेजोरा पेंटिंग की बुनियादी तौर पर मजहबी और रूहानी है और ये फन अफसानवी किरदार और मजामीन की फरकानारा अक्कासी के लिए मशहूर है। मसलन बरहिद्वशरा और मंदिर में झोला देवका और नाटक पेंटिंग्स की शक्ल में तेजोरा की पेंटिंग बहुत ही तस्वीर हैं। यहाँ तक के मराठा महल में भी इस पेंटिंग्स को देखने के लिए एक बेहतरीन जगह है। आपको अलहदा रियासतों के तौर पर खड़ा किया गया है जिसमें विजयनगर और बहामी रियासत की बड़ी दक्कन तर्ज की मुसविरी तैयार हुई है। जुनूब के तमाम तर्जे जैसे नागिर स्टाइल, विजयनगर का बहामी स्टाइल और गोलगंडा स्टाइल वगैरह हम आसरे हैं, जिसमें तनख्वाह के फनकारों को पेंटिंग्स का अहम अलग मकाम है। विजयनगर और बहामी रियासत में दक्कनी तर्ज की मुसविरी तैयार है। साउथ के थॉमस शॉप जैसे नागिर, विजयनगर, बहामी स्टाइल और गोलगंडा स्टाइल वगैरह असली हैं, जिनमें तनख्वाह के फनकारों को पेंटिंग्स का मकाम दिया गया है। पांचवा सवाल है कि 10 ज़ेल में किसी एक सवाल का जवाब सोशल अखबार में दिए। इंडो इस्लामी कल्चर की तस्वीरों को आर्ट, किताबी और रिसाइल की तस्वीरें में काट कर जमा कीजिए। मिसाइल के तौर पर कुतुब मीनार, गोलगंडा, सफदरजंग मकबरा, हुमायूं मकबरा, लाल किला, आगरा वगैरह, और इसमें कम से कम 6-7 कटिंग का इस्तेमाल करके खूबसूरत कैलॉज बना है। तो इसका भी फ़ोटो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे पहला वाला जो है वो तीसरे सवाल का है और दूसरा वाला जो लिंक है वो पांचवे सवाल का है। ठीक है, अब आखिरी सवाल है ये। 10 ज़ेल में किसी एक पे प्रोजेक्ट बनाना है आपको। ब्रॉडेस्ट पर पार तस्वीर को गौर से देखें, ये उस्ताद मंसूर का काम की एक शानदार मिसाल है, इसे अपने लफ्ज़ों में पेश करें। तो इसका जवाब यहाँ पे उस्ताद मंसूर जहांगीर के मुसव्विरों में से। उस्ताद मंसूर का शुमार जहांगीर के दरबार के नामूर मुसव्विरों में होता है। वे बुनियादी तौर पर परिंदों की ज़िंदगी का शानदार मुताला किया जाना के लिए जाना जाता था, लेकिन वह मुग़ल मुसव्विरों में से एक था। उसने परिंदों की ड्राइंग में अपना मैल नहीं रखा। उसकी बनाई हुई बेज की तस्वीर आज तक दुनिया में तारीफ की मौजू बनी हुई है। उस उकाब की तस्वीर जो शक्ल है वो मुनफर्द है। उकाब की आंखों में दरिंदगी इस कदर वाजे और हकीकी है कि सामईन उसे देखकर महसूर हो जाते हैं। उकाब के पीले रंग के पस मंज़र पर सफ़ेद और भूरे रंग में दिखाया गया। उसकी नोकीली चोंच और गोल होशियार आँख के गहरे पीले और उसके गर्दन के पीछे हिस्से हुए पंखों का जाहिर करता है। परिंदे वजन के साथ बंधा हुआ और उसके गले में एक तार खूबसूरती से लटका हुआ है। इंतखाब से यह बाग ईरान के बादशाह शाह अब्बास की तरफ से तोहफा है। इसका नेशनल म्यूजियम दिल्ली में वाक़ है। उकाब में एक आमतौर पर शिकार का बड़ा परिंदा है, जिसका मतलब है उकाब आसमान का सबसे नुमाया शिकारियों में से एक है। उकाब ज़्यादातर शिमाली नसफ़ कुर्रा में पाया जाता है। बशुमाल यूरोप, एशिया और शिमाली अमरीका, अफ्रीका, बर आज़म में भी उकाब पाया जाता है। जहांगीर ने उस्ताद मैसूर को नादिरुल असर के खिताब से नवाजा था। तो ये था आपके लिए हमारा एक छोटा सा तोहफा TMA की शक्ल में पेंटिंग का। अगर आपको ये पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहें। और आप ये इसका TMA का वो जो है PDF वगैरह भी पा सकते हैं। असाइनमेंट भी बनवाना चाहते हैं और प्रैक्टिकल भी और नोट्स वगैरह चाहिए या गाइड वगैरह तो आपको मिल जाएगी, लेकिन सब पेड है और आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।